अभी जो है बना रही चाय, तो चाय हम पीते हैं। हली ना अपने लिए ही बनाई है। फिर यहाँ पर जो है चाय वाय हम पी चुके हैं, फिर उसके बाद में कपड़े भी धुले हुए थे तो इन्हें भी डालना है। तो यहाँ पर ना ये मशीन में हमने जो है डाल दिया था कपड़ों को, थोड़ा सा ना सूख के एक मिनट के लिए, फिर जो है निकाल कर बाहर डाल देंगे। फिर उसके बाद में हमने जो है कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ था, ये था शाम का और हमारा आया था फ़ोन मेरा नया, तो वही आप लोगों को भी दिखा रहे हैं और काफ़ी खुश भी थे हम, आपको दिख भी रहा होगा। तो हमारा ना फ़ोन 4-5 साल पुराना हो चुका था, तो वो ना थोड़ा सा जो है थोड़ा सा क्या मतलब ख़राब हो चुका था, चल नहीं रहा था ज़्यादा। तो ये ना फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसका कैमरा ना बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी बताना, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि इसका ना कैमरा बहुत अच्छा है। तो हमें ना कैमरे की भी ज़रूरत थी, मतलब अच्छा कैमरा हो, अच्छा दिखे। तो चलिए फिर आप लोग भी देखिए। और ये आप लोगों को दिखा रहे हैं ना, बस वही चार्जर था इसके साथ में और इसका ना कवर भी था, तो बस यही था। तो यहाँ पर जो है हम बनाने जा रहे थे डोसा, फिर शाम को हमने जो है बनाया हुआ था डोसा। तो ना यहाँ पर जो है जो डोसा बैटर था तो वो हमने ना रेडीमेड लिया हुआ था, और ये ना काफ़ी अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छे से इससे जो है बन जाता है। तो इसमें ना सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ना एक कप जो है अगर आप इसका ये लोगे ना पाउडर, तो फिर 1.5 कप आपको जो है पानी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना हम 1 कप जो है नाप कर ले रहे हैं और इसमें ना 1.5 कप जो है पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने ले लिया, तो यहाँ कप जो है 1 कप यहाँ पर ये डोसा पाउडर हमने लिया हुआ है, और इसमें ना इसी कप से नाप कर हम जो है 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी की जगह ना आप दही भी डाल सकते हो, पर थोड़ा दही डालना है, मतलब आधा जो आधा कप आप दही डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो हमने पानी मिला दिया, फिर उसके बाद में हमें ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद में जो है 5 मिनट के लिए हमें रख देना है। 5 मिनट में ना ये बहुत अच्छे से जो है फूल जाता है, फिर उसके बाद में हमें जो है डोसा बनाना है। तो चलिए फिर इसको ना अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर ना ये हमने आलू लिए हुए, आलू हमने जो है बॉईल कर लिया था। तो इन्हें ना एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, इस तरह से जो हमें फोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ना आलुओं को जो है हमने फोड़ लिया है, और यहाँ पर
प्याज और लहसुन लिया हुआ जिसको हमने बारीक कट कर लिया है, टमाटर को भी कट कर लिया है, और जो है हरी मिर्च ली हुई है, हरी मिर्च भी हमने कट कर ली है। अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप वो भी ले लीजिए। यहाँ पर हमने जो है तेल डाल दिया था, तेल जो था गर्म हो चुका था, तो इसमें हमने लहसुन और प्याज जो है एक साथ में डाल दिया, क्योंकि हमें ना प्याज को जो है ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए ही पकाना है। और यहाँ पर ना जीरा भी हमने जो है साथ में ही डाल दिया था। तो चलिए फिर इसे जो 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है धनिया पाउडर हमने डाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने जो है हल्दी पाउडर डाला हुआ है, और लाल मिर्च डाला हुआ है, लाल मिर्च पाउडर। और ये जो हम डाल रहे हैं सांभर मसाला, तो यहाँ पर ना 1.5 चम्मच के लगभग डाला हुआ है हमने सांभर मसाला। इससे ना टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है हमने टमाटर और जो है हरी मिर्च डाल दी हैं, और नमक भी साथ में डाल देंगे ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाएँ। तो यहाँ पर ना सारी चीज़ें डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, 2-3 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर जो है टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, तो हमने जो आलू मैश कर कर रखे हुए थे वो हमें डाल देने हैं, और डालने के बाद में चला देना है 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए। बस इसी तरह से जो है हमें इसको पका लेना, भून लेना। पके तो वैसे ही हैं, बस ऐसे चलाते हुए जो है थोड़ी देर मसालों में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारा मसाला तैयार हो गया जो है डोसा में भरने के लिए। और यहाँ पर ये हमने सांभर बनाया हुआ था, तो इसका जो है हमने मतलब इसकी रेसिपी नहीं शेयर की आपके साथ में। तो यहाँ पर जो है अब बनाएंगे डोसा, तो यहाँ पर जो है 1 चम्मच हमने ले लिया। तो बस इसी तरह से करके हमें बना लेना, और ये ना काफ़ी अच्छे से बन भी जाते हैं, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है बन रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमने सारे डोसे जो है बना लिए थे। तो यहाँ पर हमने ना इसको फैला दिया है, थोड़ा सा ना इसमें तेल भी हमने लगा दिया था, और जो है इस तरह से हमें सबसे पहले ना थोड़ा सा इसको छुड़ा लेना है नीचे से। फिर उसके बाद में जो ये हमने आलू रखे हुए थे, आलू का कुछ चाहिए हमें भर देना है। तो जो है बन गया हमारा डोसा, तो जिसको भी खाना है आ जाइए। तो यहाँ पर जो है आलू भी हमने भर दिया, और बस इस तरह से जो है हमें मोड़ देना है। और आप देख सकते हो, आपको खुद ही लग रहा होगा ना काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और टेस्टी भी जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप इसमें ना सांभर मसाला डाल दोगे ना, जो आलू का कुच्चा होता है ना जब आप बनाते हो, तो उसमें ना अगर थोड़ा सा सांभर मसाला आप डाल दो ना, तो और ज़्यादा जो है टेस्टी बन जाते हैं। और इसमें अगर आप पनीर भी डालना चाहते हो, तो जब आलू आप डालते हो ना, भूनते हो, तो उसमें ना थोड़ा सा कस के पनीर भी आप डाल दीजिए, और ऊपर से जब आप ऐसे आलू फैलाते हो ना, तो इस पर भी जो है पनीर कस दीजिए आप। तो काफ़ी अच्छे जो है डोसे हमारे बन रहे हैं। तो ये थी हमारी रेसिपी ब्लॉग, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड।